नमस्कार, दिस इज कैलाश एंड यू आर वाचिंग चर्चा विद विश्नोई। टुडे आई हैव इनवाइटेड ए स्पेशल गेस्ट हु इज जॉइनिंग अस फ्रॉम गुरुगांव। सी इज ए प्रोफेशनल गोल्फर ऑन यूरोपियन एंड इंडियन टूर। सी वाज नंबर वन वुमेन प्रोफेशनल गोल्फर इन इंडिया 2017 एंड 19। सी वॉन ऑल इंडिया नेशनल वुमेन चैंपियनशिप इन 2015। सी रिप्रेजेंटेड इंडिया एज एमेच्योर गोल्फर इन सर्वेल टूर्नामेंट including World Championship 2016, Mexico and Asian Pacific events. Let's join our hand to famous and our special guest, Gorika Vishnoi. Good evening, Gorika. Thank you so much for joining us. Good evening, Kailashi. Thank you for having me. Yeah, let's start the interview. So, yes. Gorika, India is a such country है जहाँ पे cricket को ज़्यादा तवज्जो मिलती है, लोग cricket ज़्यादा खेलते पसंद करते हैं, golf के बारे में लोग ज़्यादा जानते भी नहीं हैं। तो आपने अपने career को golf के रूप में क्यों चुना? तो आई थिंक आपकी ये बात बिल्कुल सही है दैट क्रिकेट बहुत ही पॉपुलर स्पोर्ट है इंडिया में, बट गोल्फ को चूज करने की मेरी वजह रही। उनमें से कुछ ये थी कि पहली तो गोल्फ एक इंडिविजुअल स्पोर्ट है, एंड सेकेंड कि गोल्फ को आप इतने ओपन और इतने सेफ एनवायरनमेंट में खेलते हो, आप नेचर के बहुत करीब हो एंड आप इतने खूबसूरत गोल्फ कोर्सेज में खेलते हो। एंड लास्टली जो सबसे अच्छी वजह मुझे पर्सनली लगती है वो ये है कि गोल्फ को आप किसी भी एज तक खेल सकते हो, एज लॉन्ग एज यूर फिट एंड फाइन। जब तक आप हेल्दी हो तब तक आप गोल्फ को परस्यू कर सकते हो, आपकी गोल्फ में कोई भी ऐसी रिटायरमेंट एज नहीं है। तो इन वजहों की ये वजह रही कि मैंने गोल्फ को चूज करा। ओके, एंड गोरिका, आपकी फैमिली ने आपके और आपके भाई को दोनों को समान अवसर दिया है, लाइक यू बोथ आर गोल्फर्स। सो मैंने देखा है बहुत सी फैमिली मतलब लड़की और लड़की में डिफरेंशिएट करके समान अवसर नहीं देते हैं, तो आप ऐसे लोगों के लिए कोई स्पेशल मैसेज? बिल्कुल, इसमें सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी दैट मैं बहुत ही फॉर्चुनेट और बहुत ही लकी रही कि आई वाज बोर्न इन सच ए फैमिली, कि मैंने ऐसे फैमिली में जन्म लिया जो लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं करते। और ये चीज सिर्फ मेरी, मैंने अपनी फैमिली में जनरेशन से देखती आ रही हूँ कि कभी भी लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं हुआ। उन सबको, सारे पेरेंट्स को मैं यही कहूंगी कि अपनी लड़कियों को भी इक्वल मौका दे और उनको भी एक मतलब उड़ान का मौका दे। ओके, गोरिका, आप एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ब्रांड एम्बेसडर भी हो और वो अभी कोविड क्राइसिस के दौरान गरीब लोगों की हेल्प कर रहा है, तो उसमें आपने लोगों को कुछ डोनेट करने के लिए अपील भी किया था, तो लोगों का कैसा रिस्पॉन्स था उसमें? तो मैं भजन ग्लोबल इम्पैक्ट फाउंडेशन की ब्रांड एम्बेसडर हूँ, एंड इस कोविड के क्राइसिस के टाइम में हमने एक मिशन स्टार्ट करा, एंड हमने उस मिशन को तीन फेजेस में डिवाइड करा था, एंड तीनों फेजेस के लिए हमने टारगेट सेट करे थे, एंड बाय गॉड्स ग्रेस हमने सारे टारगेट्स को मीट करा। वी मेट ऑल द टारगेट्स, एंड ये सब इसलिए पॉसिबल था लोगों के सपोर्ट की वजह से। तो लोगों ने बहुत सपोर्ट करा, एंड ये सब, ये जो पूरा मिशन था हमारा, ये इतना सक्सेसफुल इसलिए भी रहा क्योंकि भव्य जी ने बहुत ही हार्ड वर्क करा था, एंड कुलदीप जी का विजन था। तो आई थिंक भव्य जी और कुलदीप जी के बिना ये मिशन इतना सक्सेसफुल नहीं रहता, और लोगों की मदद की वजह से और डोनेशंस की वजह से भी। हाँ, उनको मैं भी थैंक यू बोलना पसंद करूंगा और आपको भी थैंक यू जो आप इसके इस कोविड क्राइसिस के दौरान आप अपने आप को फिट रखने और अपने आप को पॉजिटिव वे में थिंकिंग रखने के लिए डेली रूटीन कैसे फॉलो कर रहे हो? तो कैलाशी, मैं योगा एंड मेडिटेशन करती हूँ, मतलब करते आ रही हूँ, एंड इस टाइम बिल्कुल और इम्पोर्टेंट हो गया है करना। तो सुबह उठ के मेडिटेशन करना, योगा करना, अच्छी मोटिवेटिंग किताबें पढ़ना, एंड उससे भी ज़्यादा बिजी रहना, आई थिंक वो भी बहुत ज़रूरी है कि आप आइडल ना रहो। तो बिजी रहने के लिए मैं अपनी हॉबीज परस्यू करती हूँ जो मेरे को डिस्ट्रेस करती है, जो मुझे मतलब एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस देती है। तो इन सब चीज़ों की वजह से मेरा पूरे दिन का एटीट्यूड बहुत अच्छा, पॉजिटिव, और पूरा दिन प्रोडक्टिव भी जाता है। ओके, गोरिका, यू हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स, सो आप बिजनेस कर सकते थे बट गोल्फ ही चुना, मतलब क्यों? आई थिंक एक तो पहली वजह एक ये भी था कि मेरे घर में हमेशा से स्टडी कल्चर रहा है। मेरी मॉम एक प्रिंसिपल है, एंड मम्मी ने हमेशा पढ़ाई पे बहुत एम्फेसिस डाला है। तो अब
बट बात ये थी कि गोल्फ मेरा पैशन था, गोल्फ को ही मैं परस्यू करना चाहती थी. लेकिन मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगी कि गोल्फ इंडिया में भले ही पॉपुलर ना हो, वर्ल्ड वाइड गोल्फ एक बहुत ही हाई रैंक्ड स्पोर्ट्स की गिनती में आता है. अगर मैं आपको एक नंबर बताऊँ तो गोल्फ वर्ल्ड वाइड ऑलमोस्ट $84 बिलियन की इंडस्ट्री है. वो शायद इंडिया में पॉपुलर नहीं तो हम रियलाइज नहीं करते. तो मैं काफ़ी होपफुल और पॉजिटिव हूँ कि मेरी जो इकोनॉमिक्स की डिग्री है वो आगे चल के मैं अपनी गोल्फिंग इंडस्ट्री में ही अप्लाई करूंगी. How did you balance between your study and sports? मुश्किल था डेफिनेटली, बिकॉज मैंने स्कूलिंग भी रेगुलर स्कूलिंग करी एंड कॉलेज भी रेगुलर कॉलेज करा, इकोनॉमिक्स ऑनर्स करा, वेरी टफ सब्जेक्ट. बट आई थिंक मेरा की हमेशा ये रहा दैट रेगुलरिटी. मैं हर रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ती थी जिससे जब एग्जाम पास आए तो मेरे को ज़्यादा प्रेशर ना आए, मतलब सिलेबस कंप्लीट करने का. ट्यूशंस रख रखी थी एंड उसके अलावा मतलब आई फील स्टडीज एंड स्पोर्ट्स का हमेशा एक अच्छा बैलेंस रहना चाहिए एंड वो बैलेंस मैंने हमेशा मेंटेन रखा. इसी वजह से मेरे को मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं आई स्पोर्ट्स और स्टडीज को बैलेंस करने में. आपने ग्रेजुएशन DU से किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी से? जीसस एंड मैरी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी. हाँ जी. सो गोरिका, लेट्स स्टार्ट रैपिड फायर. ओके. सो योर हॉबीज? बेकिंग, प्लेइंग द पियानो एंड पेंटिंग. एंड योर फेवरेट गोल्फर? टाइगर वुड्स. ओके. योर बकेट लिस्ट? टू ट्रैवल द वर्ल्ड. Okay. To do all the adventure activities, rock climbing, scuba diving, and to visit the Van Gogh Museum in Amsterdam. Okay, your dream? Yeah. My dream to play the Olympics. Okay, all the best. And thank you. Your favorite chilling spot? Galleria Market in Gurgaon with my brother. Okay, fine. And your most beautiful palace you have visited till now? It will be a tie between Mexico and Morocco, because in dono ki apni khud ki beauty hai, different beauty. So in dono ke beech mein tie. Okay, and your first professional golf match? That was in Delhi Golf Club, 2017. Surprising moment of life? Surprising moment. हाँ तो आगे के आगे क्या? Yeah, tell me. So it was my birthday and उस time मैं tournament खेल रही थी in Hyderabad Golconda Golf Club and जैसे ही मैं like finish कर रही थी मैंने देखा कि spectators में my mother and my brother had come from Delhi all the way to Hyderabad to surprise me. तो डैड मेरे साथ ट्रैवल करते हैं, डैड तो थे ही एंड मेरे को पता नहीं था कि वो आ रहे हैं. तो वो आए एंड फिर हमने बर्थडे साथ में मेरा मनाया हैदराबाद में, सारी फैमिली ने साथ में. सो दैट वाज अ सरप्राइज, लाइक अ सरप्राइज विजिट. या ओके. एंड व्हाट डू यू से टू योरसेल्फ बिफोर एनी मैच? बिफोर एनी मैच आई ऑलवेज लाइक टू रिमेंबर गुरु जम्बेश्वर भगवान. मैं अपनी स्पिरिचुअल साइड में भी बहुत बिलीव करती हूँ, लाइक स्पिरिचुअल विद मॉडर्निटी, इट्स अ मिक्स ऑफ इट. एंड आई थिंक बस गॉड्स ग्रेस, यू थिंक ऑफ गॉड एंड एवरीथिंग गोज वेल. ओके. और योर फेवरेट सेलिब्रिटी? सोनम कपूर. ओके. एंड योर फेवरेट स्पोर्ट पर्सन? Sport person, Marie Combe, definitely. And most funny request from a fan? Funny. ऐसी तो कोई funny request नहीं है fan से. मेरी fan following काफी sensible है. तो ऐसी कोई funny request कभी आई नहीं मेरे पास. Okay. Most special golfing memory? Most special. Most special would be when I represented my country in the World Amateur Championship. बहुत ही prestigious event है and जब अपनी country को represent करा था and
ऑल्सो वो टूर्नामेंट मेक्सिको में था, तो जहाँ हम रुके थे और जो गोल्फ कोर्स था मायो खोबा गोल्फ कोर्स, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल गोल्फ कोर्सेज. एंड सो आई थिंक द फैक्ट कि मैंने कंट्री को वर्ल्ड चैम्पियनशिप में रिप्रेजेंट करा और एक इतने ब्यूटिफुल गोल्फ कोर्स में खेला जिसका फ्लोरा एंड फौना इज सो लाइक सो ब्यूटिफुल, यू सी डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स इन दैट गोल्फ कोर्स, इसलिए वो गोल्फ कोर्स बहुत पॉपुलर है. वहाँ पे आपको बहुत एक डिफरेंट टाइप की वाइल्ड लाइफ दिखती है. तो इन सारी रीजंस की वजह से आई थिंक ये मतलब दिस वाज माय मोस्ट स्पेशल गोल्फिंग मेमोरी. एंड योर स्पेशल विन? मोस्ट स्पेशल विन वुड बी ऑल इंडिया नेशनल चैंपियनशिप 2015 चंडीगढ़ स्पेशल. ओके. एंड इफ नॉट गोल्फ देन व्हाट? देन probably a sports person only, maybe an entrepreneur. Okay. Not sure. I think tabhi sochti. Okay. Have you ever visited Mukam? Yes, I have multiple times. And yeah. I think matlab main kaisa experience like, tha wo? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस. मैं यही कहने वाली थी कि अपने लाइक गुरु के धाम को विजिट करना इज अ वेरी सरियल एक्सपीरियंस. इनफैक्ट मेरे डैड ने ही कंसेक्यूटिवली 12 अमावस के लिए उन्होंने विजिट करा था मुकाम कंसेक्यूटिवली. हाँ जी. एंड मतलब मैं अपने कल्चर में अपने गुरु में बहुत ही बिलीव करती हूँ. और इनफैक्ट मैं आपके साथ एक चीज शेयर करूंगी कि मैं वेजिटेरियन हूँ एंड बीइंग एन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन हमने पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करा है. एंड हमें हमेशा कहा गया था कि आप मतलब कैसे सर्वाइव करोगे अगर आप वेजिटेरियन हो. तो आप जब इंटरनेशनली खेलोगे आपको पता है कि उधर वेजिटेरियन फूड मिलना बहुत टफ होता है, राइट? तो लेकिन उसके बावजूद भी बिकॉज हम अपने रूल्स में अपने कल्चर में इतना बिलीव करते हैं, हमने कभी भी नॉन वेजिटेरियन टर्न करने का नहीं सोचा. एंड हमने काइंड ऑफ गोल्फ इंडस्ट्री को शो भी करा कि आप वेजिटेरियन भी हो सकते हो एंड परफॉर्म कर सकते हो एंड इंटरनेशनली सर्वाइव कर सकते हो. इनफैक्ट हम एक बहुत बड़ा ना सूटकेस अपने साथ लेके जाते हैं, मैं और मेरे पापा. एंड पापा मेरे साथ हमेशा ट्रैवल करते हैं हर जगह. तो मतलब मैं ये भी कहना चाहूंगी कि मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज्यादा रहा है. शायद ही कभी कोई इंटरनेशनल या नेशनल इवेंट था जहाँ मेरे मॉम या मेरे डैड मेरे साथ नहीं थे. तो पापा हमेशा मतलब एक बहुत बड़ा सूटकेस लेके जाते हैं जहाँ पे जिसमें सिर्फ खाना होता है वेजिटेरियन फूड. तो आपने आई थिंक इट्स ऐसा प्रूव कर दिया कि बिना नॉनवेज खाए भी आप फिजिकली फिट रह सकते हो. एब्सोल्युटली. तो आई थिंक स्टेइंग ग्राउंडेड अपने रूट्स से जुड़े रहना बहुत इम्पोर्टेंट है. तो हमने कभी भी कुछ और करने का सोचा नहीं, नॉन वेजिटेरियन टर्न करने का सोचा नहीं. And everything, सब कुछ अच्छा चल रहा है. हाँ, बिश्नोई कम्युनिटी की तरफ से मैं धन्यवाद करना पसंद करूंगा इसके लिए. नहीं, थैंक यू सो मच. थैंक यू. ओके. एंड सो व्हाट डू यू थिंक बिश्नोई महासभा शुड स्टार्ट एनी स्पोर्ट एकेडमी लाइक दैट, लाइक देयर इज नथिंग इज देयर लाइक समथिंग लाइक कैलाशी? ये तो बहुत ही वास्ट एक सब्जेक्ट है. हां, मतलब बिल्कुल शुरू करना चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा हमारी महासभा को स्पोर्ट्स को और स्पोर्ट्स पर्सन को प्रमोट करना चाहिए, उनको एक्नॉलेज करना चाहिए और उनको सम्मानित करना चाहिए. एंड मतलब वही बात है कि एकेडमी बिल्कुल बननी चाहिए सबको. जो भी स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं उनको एकेडमी में मतलब खेलने का एक मौका देना चाहिए. एंड स्कॉलरशिप्स देनी चाहिए, स्कॉलरशिप्स जिससे फाइनेंशियल एक हेल्प मिले एथलीट को. तो बिल्कुल आपका ये बहुत अच्छा आइडिया है एंड आई होप ऐसा नियर फ्यूचर में हो जल्दी. व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? माय फ्यूचर प्लान्स इज जस्ट टू वर्क टुवर्ड्स प्लेइंग ओलंपिक्स खेलने की तैयारी बिल्कुल कर रही हूँ मैं. एंड आगे चल के मैं अपनी कम्युनिटी के लिए, हमारे बिश्नोई समाज के लिए भी कुछ करना चाहती हूँ स्पोर्ट्स के क्षेत्र में. मेरा एक थॉट है कि स्पोर्ट्स फॉर गर्ल चाइल्ड, हमारी जो मतलब लड़कियां हैं हमारे समाज की, उनको स्पोर्ट्स में लाना चाहती हूँ, उनको मोटिवेट करना चाहती हूँ कि आप स्पोर्ट्स को भी एज अपनी हॉबी से ज्यादा अपना करियर पाथ भी चूज कर सकते हैं.
तो ये मेरे फ्यूचर प्लान्स हैं एंड बस गुरु गुरु जम्बेश्वर भगवान करे कि ये सब बहुत जल्दी पूरे हों. हाँ गुरिका जरूर फुलफिल होंगे. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी एंड थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग इवेंट्स एंड प्रोजेक्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू कैलाश जी फॉर हैविंग मी एंड आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा एंड आई होप आपका शो चर्चा विद विष्णु ग्रो करे एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माई सेल्फ टू यू. थैंक यू सो मच गुरिका. थैंक यू. सो लास्ट में मैं विश्नोई कम्युनिटी के बिहाफ पे गोरिका को धन्यवाद देना पसंद करूंगा इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए. और जैसे कि गोरिका ने बताया कि विश्नोई महासभा को एटलीस्ट स्पोर्ट्स में जो टैलेंटेड लोग हैं उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उनको सम्मानित करना चाहिए. मैं गोरिका की इस बात से एग्री करता हूँ और विश्नोई महासभा से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहे हैं उन टैलेंट को रिकॉग्नाइज करना चाहिए एंड उनको सम्मानित करना चाहिए. तो मुझे आशा है कि अगर विश्नोई महासभा का कोई भी बंदा ये वीडियो देख रहा है तो जरूर इस बात पे ध्यान देगा. और इसके साथ साथ मैं स्वामी सच्चिदानंद जी आचार्य से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी आपका यूथ सम्मेलन हो तो आप जैसे आईएएस आईपीएस और स्टडी के फील्ड में जो लोग अपना अच्छा कर रहे हैं उनको इन्वाइट कर रहे हो, उसी टाइप से जो स्पोर्ट्स के फील्ड में विश्नोई कम्युनिटी के जो लोग अच्छा कर रहे हैं उनको भी इन्वाइट करो. मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि गोरिका विश्नोई को आप इन्वाइट कर सकते हो. दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए. एंड सब्सक्राइब करने के लिए जो नीचे लाल लाल बटन दिख रहा है उस पर एक गोल्फर की तरह करारा सा शॉट मार के सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा. दोस्तों आप गोरिका विश्नोई को ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो. उनके ट्विटर और इंस्टाग्राम की आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ. आज के लिए फिलहाल इतना ही. धन्यवाद.